गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। ओके, सो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आफ्टर अ ब्रेक नाउ वी आर अगेन ऑन द ट्रैक फॉर अवर थर्ड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक कोर्स व्हिच इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियसली हम क्या कर चुके हैं, जो बच्चे सीधे यहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं, सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, इंक्लूडिंग देयर एक्सरसाइजेस, इंक्लूडिंग देयर इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंक्लूडिंग देयर टेस्ट एनालिसिस, सब कुछ, एवरीथिंग। सो जो बच्चे लेट ज्वाइन करें वो फिर से आके मिलें कि इनका क्या होगा, तो वीडियोस लें। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा तीसरा चैप्टर है, और जैसा कि आपने देखा मैथ्स में तो शुरू से ही ऐसा होता चला जा रहा है कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। 9th 10th में भी ऐसे ही था, और 11th 12th में तो कुछ ज्यादा ही ऐसा है। 11th 12th में तो क्या नई नई चीजें हैं ना, तो बिल्कुल आपको बेसिक लेवल पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि मान लो अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं पढ़ा तो आपको इस चैप्टर का केवल इतना ही पार्ट आएगा, ये इतना पार्ट तो आएगा ही नहीं आपको क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि चैप्टर के नाम में एंड में क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस, और ये अब आप पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 2 में रिलेशंस एंड फंक्शंस का, पढ़ के आए हो। चलो तो रिकॉल करते हैं क्या होता है फंक्शन, क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन, चलो रिकॉल, भूल गए। कभी कोई सबसेट बने, रिलेशन का सबसेट बने ऐसा नहीं कह सकते, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री को डोमेन में इमेज बननी चाहिए, और कभी भी एक ही एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और सिंपल सी भाषा में मैंने आपको कहा फंक्शन इज अ मशीन जिसमें कुछ इनपुट दें तो कुछ आउटपुट आता है। इनपुट जो अपन दे रहे हैं उसका एक सेट होता है जिसको कहते हैं डोमेन, वहां से उठा उठा के इनपुट दिए जाते हैं, और जो आंसर आते रहते हैं उनको कहते हैं रेंज, जो आंसर आते जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका भी सेट बनाते हैं सारे एलिमेंट्स का, उनको क्या कहते हैं हम, रेंज। डोमेन से एलिमेंट दिए जाओ, रेंज में एलिमेंट मिलते जाएंगे, ये होती है एक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। अच्छा, डोमेन में हर एक एलिमेंट ये मशीन एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो फिर वो मशीन खराब है, वो फंक्शन इनवैलिड है। तो डोमेन में जो भी, या तो फिर डोमेन को मॉडिफाई करो, मान लो डोमेन में से कोई एलिमेंट ये मशीन नहीं ले रही है, इसके हिसाब से फंक्शन प्रोसेस नहीं कर रही है, तो फिर आप डोमेन को मॉडिफाई करो अगर फंक्शन को वैलिड बनाना है तो, नहीं तो फंक्शन इनवैलिड माना जाए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन आ जाता है, जैसे मान लो 3x, अब x 3x में अभी मशीन जो है 3x वाली, x की वैल्यू 0 नहीं लेगी क्योंकि 3x0 कुछ होता ही नहीं है, तो फिर इस फंक्शन को इनवैलिड माना जाएगा। तो इसकी डोमेन में हम क्या करेंगे, सारे रियल नंबर से 0 हटा देंगे। आपने देखा होगा 9th 10th में भी स्पेसिफिकली लिखा रहता था x नॉट इक्वल टू 0, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी रहती थी। मैं आपको कहता था कि कोई बात नहीं, इसको अभी तो ऐसे ही रख लो, अभी आप नहीं समझोगे इससे क्या मिली, वो क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो फंक्शन ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो हर एक एलिमेंट वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, एंड जो एलिमेंट एक्सेप्ट कर लिया उसको प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट दे रही है वो यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज तो उसको आउटपुट करके 3 आंसर दे रही है और कल इसको प्रोसेस करके 5 आंसर दे रही है, वो नहीं चलेगा। 3 दे रही है तो 3 देगी हर हाल में, हर जगह, हर टाइम पे, और 5 दे रही है तो 5 ही देगी। ठीक है, वो होता है फंक्शन, वो क्या होता है फंक्शन। अब फंक्शन के आगे क्या लग गया, ट्रिग्नोमेट्रिक लग गया, क्या लग गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि आज से अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपन सीखते 10th क्लास में चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहां पे अपन ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो के नजर से देख रहे थे कि कुछ रेशियो है, रेशियो क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, लाइक परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन रेशियो हो गया। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आ जाओ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओस रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या हो गया, टैन रेशियो हो गया, एंड तीनों के उल्टे फिर कोसेक कॉट रेशियो हो गया। तो वहां पे हम उनको रेशियो की नजर से देख रहे थे, किस नजर से देख रहे थे, रेशियो। अब अपन इसको किसकी नजर से देखेंगे, फंक्शन के नजरिए से देखेंगे, फंक्शन के नजरिए से कैसे देखेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्री भी एक मशीन हो गई, कोई भी जैसे साइन थीटा ले लिया, साइन थीटा एक मशीन हो गई, क्या हो गई मशीन, यहां से मैंने दिया 0 degree, वहां से निकला 0 क्योंकि साइन थीटा 0 पे 0 आंसर देता है, साइन 0 0 होता है, फिर 0 के बाद अगली जो हमारे हमने 5 स्टैंडर्ड रेशियोस पढ़ रखे हैं 0 degree पे, 30 degree पे, 45 degree पे और 60 degree पे, 90 degree पे, एक बार उनकी बात करते हैं, जहां खत्म किया था हमने वहीं से स्टार्ट करते हैं।
मतलब इस चैप्टर में दो चीजें वापस स्टार्ट हो रही है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री वापस स्टार्ट हो रही है और एक फंक्शन वापस स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन अपने पिछले चैप्टर में खत्म किया, ट्रिग्नो अपने पिछले साल खत्म किया, दोनों को एक साथ उठाना है वापस जहाँ पे खत्म हो रखे ना वो दोनों को एक साथ उठाना है चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, सो याद होना चाहिए मतलब पुराने साल का थोड़ा बहुत। मैं कहूँगी साइन 45 का याद ही नहीं तो फिर चैप्टर नहीं समझ आएगा, याद होना चाहिए। नहीं अगर याद है तो टेबल वेबल को रिवाइज कर बैठ के, और फंक्शन भी पता होना चाहिए। फंक्शन हमने लास्ट चैप्टर में उसको उसके बारे में आपको जानकारी। सोसाइटी का एक मशीन हो गई, जीरो डिग्री दिया जीरो आंसर, 45 डिग्री दिया तो साइन 45 वन बाय रूट टू आंसर, 30 डिग्री दिया साइन 30 डिग्री वन बाय टू आंसर, साइन 60 डिग्री दिया रूट 3 बाय टू आंसर, एंड साइन 90 डिग्री दिया तो वन आंसर। ऐसे को थीटा भी एक मशीन हो गई, अलग मशीन हो गई, ऐसे थीटा भी एक अलग मशीन हो गई, समझ गए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक मशीन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रोसेस कर ये सब उस डोमेन यहीं से वो एलिमेंट लेती है और उसको आउटपुट देती है। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वही सब कुछ है, बस अब हम इसको फंक्शन के नजरिए से देख रहे हैं। अब हम किस नजरिए से देख रहे हैं, एक फंक्शन एक मशीन के नजरिए से देख रहे हैं। क्लियर, चलो आगे सुनो। सपोज करो मैं कोई एक साधारण सा फंक्शन लेता हूँ, लेट से मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ओके एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अगर फंक्शन के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम उस फंक्शन का ग्राफ भी बना पाते हैं, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में सीखा। जैसे मान लो इस फंक्शन का मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, x एक्सिस पे तो क्या आता है बताओ, x एक्सिस पे तो आता है डोमेन और y एक्सिस पे क्या आता है रेंज। ठीक है भाई, x एक्सिस पे तो आप x की वैल्यूज डालते हो, जैसे x की वैल्यू मैंने डाल दी 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकल गई 2 + 1 = 3। x की वैल्यू मैंने डाल दी 0 तो बोलो फंक्शन की वैल्यू क्या निकल गई, बोलो 1 0 + 1 1। फिर फंक्शन की वैल्यू मैंने x की वैल्यू मैंने डाल दी 2 तो x की जगह 2 रखो जरा, 2 2 = 4 + 1 = 5। तो ये तो जो 1 0 2 ये तो है x, ये तो पुट होंगे x एक्सिस पे 0 फिर 1 फिर 2 और उनके जो आंसर्स आ रहे हैं 3 1 5 ये पुट अप होंगे y एक्सिस पे, ये किस पे पुट अप होंगे y एक्सिस पे, जैसे y एक्सिस पे भी कोई 1 है देन कोई मान लो ये 2 और ये 3 है। ठीक है तो देखो 1 पे 0 1 पे 3 आंसर आ रहा है तो 1 पे 3 आंसर आ रहा है तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा, देन फिर 0 पे 1 आंसर आ रहा है 0 पे 1 आंसर आ रहा है तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा, क्योंकि ये है ना क्लस चेंज में का। और 2 पे 5 आ रहा है तो 2 पे 5 मान लो कोई ऊपर का पॉइंट आ रहा होगा यहां पे मार्क हो रहा है। और फिर इनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनती थी और उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते थे ग्राफ, क्या कहते थे ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये 2x + 1 का ग्राफ, इसके बगल में हम लिख देते थे ये क्या है, पहले हम ऐसे लिखते थे y equal to 2x plus 1, ऐसे लिखते थे y equal to 2x plus 1, अब y ना लिख के हम fx equal to 2x plus 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे fx equal to 2x plus 1, समझ आया। इस पूछे फंक्शन का ग्राफ क्या है, तो ये लाइन की इसकी ग्राफ है, और ये कोई पूछे ग्राफ किस फंक्शन का है, मैं कह दूंगा ये fx equal to 2x plus 1 का ग्राफ है। तो ऐसे हम ग्राफ बनाते थे, बोल लो बनाते थे नहीं बनाते थे। अब इस फंक्शन की जगह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, लेकिन मान लो ये क्वाड्रेटिक हो जाए क्यूबिक हो जाए या बदल जाए तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, फिर कर्व्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे मतलब सीधे कनेक्ट नहीं होंगे, एक पॉइंट यहाँ होगा एक पॉइंट यहाँ होगा फिर नीचे होगा फिर लाइन तो सीधी होती है ना, तो उनको ऐसे घुमा घुमा के पॉइंट से पॉइंट मिला के उनका जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा कर्व, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी किस फॉर्म में बनेगा कर्व फॉर्म में बनेगा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सीखेंगे इस चैप्टर में, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हमको पता होना चाहिए, डोमेन पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए। अच्छा एक्सरसाइज से कंपेयर करें, एक्सरसाइज से कंपेयर करें तो ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, 2 दिन का चक्कर है भाई, एक्सरसाइज ही करनी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन जब उसके अंदर की बात करी जाती है तो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, ये एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं और स्कूल एग्जाम में जाते हैं, लेकिन मेरा अगले साल बच जाती है क्योंकि अंदर का तो सीखा नहीं, ग्राफ सीखा नहीं, ग्राफ भी कई जगह पढ़ाते ही एक्सरसाइज एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ाते हैं। सो हमको डिटेल में सीखना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज के रेफरेंस नहीं सीखना पड़ेगा, हमको ग्राफ भी सीखना पड़ेगा, हमको डोमेन हमको फील करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पूछना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। तो लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं साइन थीटा को। तो एक कैजुअल, एक अभी फेयर नहीं करवा रहा हूँ, एक कैजुअल एक
मतलब एक मान के चलो रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फंक्शन है, हर फंक्शन का ग्राफ बनता है, जहां पे x एक्सिस पे तो x की वैल्यू ली जाती है और y एक्सिस पे fx की वैल्यू ली जाती है, फंक्शन की वैल्यू ली जाती है, जो आंसर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू ली जाती है। साइन थीटा को भी एक फंक्शन मान लेते हैं, x एक्सिस पे तो इनपुट्स, y एक्सिस पे आउटपुट्स। अब साइन थीटा में इनपुट्स क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो इनपुट्स होगा और जो आंसर आ रहे हैं वो आउटपुट्स होंगे, ठीक है ना। चलो कोशिश करते हैं, जैसे साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूं मैं, देखो ना। So, ये हो गया एक 2D ग्राफ, ये हो गया 2D ग्राफ। अब x एक्सिस पे क्या आती है एंगल्स, बताओ 0 डिग्री यहाँ पे आएगा, बोलो। फिर उसके बाद क्या 30 डिग्री, फिर उसके बाद क्या बोलो 45 डिग्री, बोलते जाओ 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहीं तक सीखा है, हालांकि आगे भी है और पीछे भी, पीछे भी, अभी इसी को तो आगे लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री जो अपन ने 0 से 90 में सेलेक्ट करके छोड़ दिया उसी को तो आगे बढ़ाना है आज, मतलब इस वाले चैप्टर में, ठीक है। अब बताओ 0 पे कौन सा 0 ही आता है, साइन 30, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 ही होता है, तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा 0.0। साइन 30 डिग्री क्या होता है हाफ, 1/2। तो लेट्स से एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये 1/2 है, ये उसके अगला वाला 1/√2 है, ये उससे अगले वाला √3/2 है, और ये उससे अगले वाला √3/2 है। हालांकि ये ग्राफ अभी गलत है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही सिखाया जा सकता है। स्टार्टिंग में ओरिजिनल ग्राफ की बात करूंगा, आगे की बात करूंगा, कुछ पल लेनी पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो सर हमको ग्राफ ऐसे बनाना आता है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो 0 पे 0 डिग्री है, आगे बताओ 30 डिग्री पे 1/2 डिग्री है, आगे बताओ 45 डिग्री पे क्या है 1/√2 है, आगे बताओ 60 डिग्री पे क्या है, इस पे ये है ना। और उसके बाद 90 डिग्री पे क्या है, 90 डिग्री पे सर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, वन है उसका आंसर 90 डिग्री। तो आप समझ में कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा है, चेक करो कर्व बनेगा ये, वैसे स्ट्रेट लाइन अभी आपको समझाने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन की तरह बनाया, लेकिन ये कर्व बनेगा, ऐसे घूमता हुआ कर्व बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो बन रहा है ये साइन 30 डिग्री, साइन थीटा का ग्राफ हुआ, नहीं हुआ, अभी आगे 90 डिग्री पे मैंने रोक दिया, अभी आगे और बढ़ाओ तो ये घूम के ऐसे नीचे आ जाएगा, ये घूम के कैसे आएगा नीचे, अभी आगे की बात अभी जब फेयर करेंगे तब बताऊंगा ना, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो बन रहा है ये क्या है, साइन थीटा का ग्राफ है या नहीं है, जिसमें थीटा तो लिया है मैंने एक्स एक्सिस पे, साइन थीटा की जो व्यू है वो लिया मैंने वाई एक्सिस पे। तो अब जब अपन फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन जनरल फॉर्म में हमको एक्स की फॉर्म में पसंद है भाई, उसके अंदर का वेरिएबल एक्स होना चाहिए, तब हमको अच्छे से समझ में आता है। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, साइन थीटा ना कहिए क्या कहते हुआ साइन एक्स, x एंगल है और उसमें sin x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट, शॉर्ट एंट्री का भी बात के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का निवारण पहली एक्सरसाइज देगी। प्रॉब्लम क्या है सुनो, ये ग्राफ पता है क्यों गलत है, सोचो ये ग्राफ क्यों गलत है, एक बार खुद सोचो, अब ये ग्राफ सही, मतलब इसमें एक बेसिक सी मैथ्स की एलिमेंट है ही नहीं, जो मैथ्स की एक सबसे बेसिक एलिमेंट होती है ग्राफ बनाते हैं वो ही इसमें मौजूद नहीं है, इसे तो समझाने के लिए मैंने बना दिया, बट इट इज नॉट ए वैलिड ग्राफ, इट इज नॉट ए वैलिड ग्राफ। और उसको वैलिड बनाने के लिए पहली एक्सरसाइज है, और फिर पहले एक्सरसाइज के बाद सारे फंक्शन उसी पहले एक्सरसाइज के बेसिस पे चलेंगे। आपने चैप्टर खोल के दिखाई है, स्कूल में हुआ है चैप्टर नहीं हुआ, चलो ठीक है, वो तो और अच्छा होता है, खाली होता है ना दिमाग को अच्छे से भेजे में जाता है, और स्कूल में थोड़ा 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 कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं ना तो फिर उल्टा नहीं जाता, क्योंकि वो स्कूल का याद रहता है, तो अच्छी बात है नहीं पढ़ा था, बिल्कुल खाली होके सीखो, पर सीखो। हाँ तो ये वैलिड क्यों नहीं है, मैथमेटिकली वैलिड क्यों नहीं है बोलो, एक्स एक्सिस पर डिग्री आ रही है और वाई एक्सिस पर नंबर आ रहे हैं, एक कारण तो ये, और दूसरा स्केलिंग सोचो, एक सेंटीमीटर 30 के बराबर और यहाँ पे एक सेंटीमीटर आधे के बराबर, ये कौन सा नियम है भाई, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बराबर स्केल लेते थे नहीं लेते थे, इधर 1 तो इधर भी 1, इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 3 तो इधर भी 3, इधर 4 तो इधर भी 4, तो स्केलिंग क्या करी सर आपने 30 डिग्री, अच्छा स्केलिंग देखो ये 30 और फिर ये 30 कट गया, फिर 15 का गया, फिर 15 का गया, फिर 30 का गया, मजाक करो चलो, और फिर चलो यहाँ तो जो करी जो करी, चलो यहाँ तो मैं क्या बराबर कर दूंगा, जैसे ये 30 है ना तो ये इसका दुगना है, इसका दुगना है तो मैं 2 सेंटीमीटर पे 30 डिग्री ले लूंगा, फिर 3 सेंटीमीटर पे 45 ले लूंगा, यहाँ तो क्या बराबर किया जा सकता, मतलब 1 सेंटीमीटर 15 डिग्री का बनाया जा सकता है ना, यहाँ तो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करोगे, 30 यहाँ है
तो 30 इसमें ये 30 होना चाहिए था कायदे से, ये कायदे से क्या होना चाहिए था 30। तो 30 के हिसाब से हाफ की क्या औकात है, 30 के हिसाब से हाफ का मतलब हो गया उसका 60th पार्ट, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तब हाफ मिलेगा। तो 60th पार्ट यानी कि इसको 60 पार्ट्स में तोड़ो और फिर वो पॉइंट लगाओ, वो है हाफ। तो फिर ग्राफ कैसे दिखने, मतलब उस मैग्नीफायर से देखना पड़ेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा भाई। इस एक सेंटीमीटर को 60 हिस्सों में तोड़ो और उसमें से वो जो निकलेगा एक हिस्सा, वो है हाफ, ठीक है ना। सो वैलिड ग्राफ नहीं बन पा रहा है ना इसकी इस प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर उन्होंने एक तरीका निकाला, एंगल को रियल नंबर में कन्वर्ट कर दो। क्या तरीका निकाला उन्होंने, एंगल को, अभी ये रियल नंबर है, रियल नंबर, ये रियल नंबर है ना, हाफ 1/2, ये सारे रियल नंबर से रेशनल है, रेशनल पर है तो रियल। तो उन्होंने क्या कहा, इसको भी एक काम करो आप, रियल नंबर में बदलो। यानी कि यहां से आपकी जिंदगी में एंगल को मेजर करने का एक दूसरा तरीका आएगा। आज तक आप एंगल को डिग्री में मेजर करते थे, किस में मेजर करते थे, डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। इस क्लास के बाद आप एंगल को रेडियन में मेजर करोगे, किस में मेजर करोगे, तो यहां पे एंगल को मेजर करने का एक दूसरा तरीका है, रेडियन मेजर। और वो रेडियन मेजर रियल नंबर से मैच करता है, तो वो रियल नंबर से मैच कन्वर्ट होने के बाद उसका ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा और वैलिड ग्राफ, ठीक है। सो पहली एक्सरसाइज में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं करेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मैंने जो बात करी मैंने तो रिवाइज करवाया। और पहली एक्सरसाइज है कि पर्पस क्या है, पहली एक्सरसाइज होने का पर्पस क्या है, जब चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाओ ना। पहली एक्सरसाइज होने का पर्पस यही है कि उनके ग्राफ को वैलिड बनाना, फंक्शन उस मशीन को वैलिड बनाना, कुछ रियल नंबर ले, कुछ रियल नंबर ही दे, क्योंकि हमने रियल फंक्शन सीखे। रियल फंक्शन क्या होता है, जिसके डोमेन में रियल नंबर, जिसकी को डोमेन में रियल नंबर। ये एंगल तो रियल नंबर नहीं, एंगल तो इंक्लिनेशन होता है भाई, दो रेज का मुंह कितना खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है तो 30 डिग्री और खुला हुआ है तो 60 डिग्री। तो क्लियर है बेटा ये चीज। तो अब पहली एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करेंगे, भूल जाओ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। पहली एक्सरसाइज फोकस करोगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे, कोई एंगल को हम रेडियन में कैसे नापे, उसको कन्वर्जन कैसे करें, क्या थ्योरी है इसके पीछे, कैसे कन्वर्ट कर लिया उन्होंने एंगल को रियल नंबर में, वो सब हमको सीखना है। क्लियर है, ओके चलो। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हेडिंग डाल रखी है, डाल रखी है। तो सबसे पहले आप लिखें एंगल के बारे में, एंगल क्या होता है, मतलब एंगल के बारे में सीखना है अपने को। तो अच्छा, आरबीएससी की बुक में ये टॉपिक क्लास 9th में ही आ चुका है, अब कट गया हो तो कह नहीं सकते, बाकी क्लास 9th में ही उन्होंने एंगल को रेडियन में नापना सिखा दिया था। हालांकि इतना ज्यादा यूसेज नहीं है, यूज तो फिर वो डिग्री में ही कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट करना जरूर सिखा दिया था, कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से फिर वो इसमें, लेकिन अब फिर एक दो साल से वो लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं ना, तो अभी वाले बच्चों तो नहीं जानते होंगे, जो पुराने वाले बच्चे जो आरबीसी पुरानी बुक यूज करते थे, एनसीईआरटी नहीं यूज करते थे, उनको मैंने 9th क्लास में पढ़ाया है कईयों को ये रेडियन मेजर। एक तीसरा मेजर भी होता है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, एंगल को 3-4 मेजर में नापा जाता है, ठीक है ना। यूनिट वही है, जैसे मैंने कहा वजन, वजन को नापने के लिए किलोग्राम भी है, ग्राम भी है या नहीं है, है ना। दूरी, दूरी को नापने के बहुत सारे तरीके, तो आप लिखो एंगल्स, एंगल्स लिखो। पढ़ने में आ रहा है, बड़ा करो आ रहा। सो क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट, थोड़ा स्पीडली नोट करेंगे, और नहीं कर सकते तो वीडियो से करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो फिर कह दो सर मुझसे नहीं होता इतनी स्पीड में, मैं वीडियो से कर जाके करूंगा, वो दोनों ऑप्शन मैंने दे दिया। We know that angle is a measure of inclination between two lines or line segments or rays, and it is generally measured in degrees. पहली लाइन लिखो और समझो।
पहली लाइन लिख ली यहां तक, चलें फिर आगे। ठीक है, अब सुनो पहले यहां पे क्या कह रहा है भाई। हम बचपन से क्या जानते हैं, एंगल इंक्लिनेशन का मेशर होता है, मतलब इंक्लिनेशन को नापने का जरिया होता है। इंक्लिनेशन मतलब क्या, जैसे एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, इसके बीच का इंक्लिनेशन ये कहते हैं, कितना इसका मुंह खुला हुआ है, ये किस इंक्लिनेशन पे एक दूसरे से टकरा रही है। ऐसे टकरा रही है तो ये एंगल हुआ, ऐसे टकरा रही है तो ये एंगल हुआ, ऐसे टकरा रही है तो कम एंगल हुआ, इसको अपन कहते हैं एंगल। बचपन से अपन यही जानते हैं। अब वो इंक्लिनेशन दो लाइंस का भी हो सकता है, लाइक दिस, ये दो लाइंस का भी एंगल हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है। अच्छा, दो लाइन सेगमेंट्स का भी हो सकता है भाई। दो लाइंस, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, जिनकी लंबाई फिक्स होती है, जैसे लंबाई फिक्स वाली लाइन हो गई और एक और ये लंबाई फिक्स वाली लाइन हो गई, इन दोनों के बीच का भी इंक्लिनेशन एंगल कहलाया जा सकता है। या रेस, रेस क्या होती है, जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, दूसरा इनफाइनाइट होता है। लाइन्स के दोनों पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं, लाइन सेगमेंट्स के दोनों पॉइंट्स फिक्स होते हैं, और रे का मतलब क्या होता है, रे मतलब किरण, उसको जहां से निकल रही है वो पॉइंट तो फिक्स है पर जा कहां रही है वो इनफाइनाइट। ठीक है, सो एक रे ये हो गई, लेट से एक ये यहीं से निकल के ऐसे जा रही है, तो ये भी एक रे, ये भी एक रे, तो रे के बीच का एंगल इंक्लिनेशन को भी एंगल हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं कभी भी कहूँ ना लाइन, तो समझ लेना लाइन भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट भी एक्सेप्टेबल है और रे भी एक्सेप्टेबल है, तीनों चीजें एक्सेप्टेबल। ठीक है, अच्छा जहां से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं उसको, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से इनिशिएट हुआ है, इनिशिएट होने का मतलब होता है प्रारंभ होना, इनिशिएट होने का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होना, तो जहां से इनिशिएट हुआ होता है इनिशियल पॉइंट, जहां खत्म होता है उसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, जहां खत्म होता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल। अब रे का तो कोई टर्मिनल पॉइंट है नहीं, ये तो चलती जा रही है ना, इनिशियल पॉइंट जरूर है, इनिशियल पॉइंट जरूर है। लाइन का ना तो इनिशियल पॉइंट है ना टर्मिनल पॉइंट है, ना शुरू हो रही ना खत्म, दोनों साइड इनफाइनाइट। और लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट भी है और टर्मिनल पॉइंट भी है। ठीक है, अब रे का कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है, बट जनरली हमने इसको जितना भी बनाया है उसको भी अगर पॉइंट मार्क कर दे तो फिर अज्यूम कर लिया जाता है कि ये इसका टर्मिनल पॉइंट, हालांकि रे का कोई टर्मिनल पॉइंट होता नहीं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब बट अगला क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन देखो, बट टू पोर्ट्रे द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इन द फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर, जो एंगल की डिग्री मेजर है भाई, आपने डिग्री में नाप उसकी जो ली है 30 डिग्री 40 डिग्री, उसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा महसूस हुआ, इट वॉज फेल्ट टू कन्वर्ट द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल इन टू एन अनदर मेजर कॉल्ड रेडियन। ऐसा महसूस हुआ कि इस डिग्री मेजर को जरूरत है कन्वर्ट करने की एक दूसरे मेजर में, जिसको कहते हैं अपन रेडियन मेजर। और किस फॉर्मूला से इसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लगा हुआ है, यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन मान लो, फॉर्मूला मान लो, इसको रीड कैसे करते हैं, पाई सी का मतलब होता है रेडियन, जैसे इसका मतलब डिग्री होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रेडियन। तो इस रिलेशन से हम कन्वर्ट करते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, जहां पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या 22/7 कुछ भी ले सकता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3.14 रेडियन में मिलाकर 180 डिग्री होंगे। समझ आया, अब सोचो जरा 180 डिग्री को मैं एक्स एक्सिस पे यूं लिखता तो कितनी कहां जाके वो आती है। अभी मैंने 90 डिग्री बनाया, तुम इतना इसमें कवर कर लिया, 90 के बाद फिर मैं 30 या 15 के गैप में चलते 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 आगे 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 165 डिग्री, और ऐसे करके 180 डिग्री बनाता। और अभी अभी जो है 180 डिग्री केवल और केवल रियल नंबर में कन्वर्ट हो गई 3.14, यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पे खत्म, यहीं पे 180 डिग्री। तो अब आपके हिसाब से ग्राफ वैलिड बनेगा ना, थोड़ा सा स्केलिंग के हिसाब से। अब सर ये रिलेशन कहां से आया, ये रिलेशन तो बता दिया, जो याद करना है ये रिलेशन याद है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो अगर एक्सरसाइज सॉल्व करवानी होती तो सबसे पहली लाइन में ये रिलेशन लिखवाता और अब तक एक्सरसाइज का आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, इतना सा एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है, बट मुद्दा ये है कि वो रिलेशन यूज क्यों कर रहे हैं, क्या थ्योरी है इसके पीछे की, प्लस ये रिलेशन कहां से आया भाई। आपने ऐसे कैसे मान लिया कि 3.14 रेडियन में 180 डिग्री, रेडियन की डेफिनेशन तो दो कि एक रेडियन का मतलब क्या है,
अब ये तो आपने एक रेडियन नहीं बताया, तो तीन रेडियन या सवा तीन रेडियन के आसपास का रिलेशन दिया आपने। पहले तो बताओ एक रेडियन क्या है, तो उस थ्योरी को अपने को सीखना है, ठीक है? एटलीस्ट एक बार तो गो थ्रू करना है। फिर समझ में नहीं आता तो ये रिलेशन आता है और अगली एक्सरसाइज आती है, और ये रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड में, रिलेशन में हर एक चीज। क्लियर है? और बेटा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई ना ढंग से तो पूरी कैलकुलस खत्म हो जाएगी। कैलकुलस में कम से कम 30-40% जो प्रोपोर्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस समझते हो ना? नहीं समझते? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सुना तो होगा आपने, भयानक सी चीज होती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो वो उसको कैलकुलस एक नई ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें से एक ही चैप्टर इस साल आएगा 13वां चैप्टर, बाकी पूरी एक बुक है अगले साल कैलकुलस के ऊपर। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का 30-40% रोल है। तो ट्रिग्नोमेट्री को बड़े अच्छे से फील करना, केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस से फील करोगे तो फिर वो कैलकुलस में समझ नहीं आएगी। ये एक्सरसाइज तो सॉल्व हो जाएगी, ये चैप्टर तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगले साल कैलकुलस में फिर वही सर नहीं आती, ठीक है? तो अच्छे से फील करना। तो ये यहाँ तक लिख लिया। बेयर द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, या तो 3.14 होती है या 22/7 होती है, जो होती थी वो की वही हम यहाँ पे। यहाँ तक इतना नोट हो गया सबका, हो गया लकी नोट हो गया आपका, यहाँ तक करो, घर पे करोगे फिर कर लेना, क्योंकि पहले आपने जो किया जो नहीं किया अब उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद से सबको ढंग से नोटेड होना चाहिए, है ना? हाँ, पहले का भी नोटेड है सारा 2 चैप्टर का, ओके। अब डेफिनेशन की बात करता, डेफिनेशन की बात करता, तो पहले रफली समझे थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा आगे नहीं कर, पहले थोड़ा रफली समझे डेफिनेशन को, डेफिनेशन ऑफ ए रेडियन मेजर। तो उन्होंने देखो रेडियन को कैसे मेजर किया, पहले मैं रफली समझाता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले तो ये कहा कि जब अपन सर्कल बनाते हैं तो उसकी कुछ रेडियस होती है, बनाते हैं तो कुछ रेडियस होती है कि बेटा लेट से मैंने ये सर्कल बनाया जो ये कितने किसी ना किसी रेडियस का है, है? यहां से लेके यहां तक जो लंबाई होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस, कितनी भी रेडियस हो सकती है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने एक सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर ली है, कितनी ली है 1 सेंटीमीटर का, अगर आपने एक सर्कल बनाया है तो इस सर्किल को यूनिट सर्किल कहा जाएगा। पहले तो यूनिट सर्किल समझो क्या चाहिए, यूनिट सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। यूनिट मतलब 1 यूनिट, यूनिट मतलब 1। अब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर यूनिट चेंज होता जाएगा। अब जनरली अपन मीटर का तो बना नहीं सकते, पेपर पे तो अपन सेंटीमीटर का ही बना सकते हैं ना, 1 इंच या कोई भी दूरी ले लो, एक यूनिट होनी चाहिए उसकी जो रेडियस है, चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो या किसी में भी हो। तो उस सर्किल को क्या कहते हैं, यूनिट सर्किल। उस सर्किल को क्या कहते हैं, यूनिट सर्किल। अब यूनिट सर्किल की मदद से हम कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो अब जब भी मैं कहूं यूनिट सर्किल बनाओ तो पूछना मत सर यूनिट सर्किल क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाओ। समझ गए? क्लियर है? अब रेडियन की परिभाषा समझना ध्यान से, रेडियन की परिभाषा समझना। ये एक यूनिट सर्किल है, इसमें अगर मैंने एक आर्क मार्क करी, आर्क क्या होती है, इस सर्किल का एक हिस्सा आर्क होती है जिसको अपन चाप भी बोलते हैं हिंदी में। मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, और A से B तक मैंने एक आर्क मार्क कर दी। तो ये जो ये गोलाई है इसको आर्क कहते हैं, बताओ ये जो गोलाई है इसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। भाई मान लो कोई A पे खड़ा है लड़का और बाकी वो B पॉइंट पे आकर रुक गया, तो उसने कितनी दूरी तय करी, वो जितनी भी दूरी तय करी वो आर्क है। सीधा चलना तो होता है लाइन, और इसे घूम के चलना होता है आर्क पे चलना, तो ये आर्क है जिसको अपन चाप बोलते हैं। तो मैंने एक सर्किल है यूनिट सर्किल में एक आर्क मार्क कर दी। आर्क मार्क करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 1 पॉइंट मार्क कर दिया ए, 1 पॉइंट मार्क कर दिया बी, ओके फाइन। अब आपने सीखा होगा 9th-10th में कि सर्किल की कोई भी आर्क, कोई भी हिस्सा उसका सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है। तो इस आर्क से सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड हुआ वो पता करने के लिए मैंने इस ओ को बी से जोड़ दिया। तो ये जो एंगल हुआ, एंगल ओ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये एंगल को मैं क्या कह सकता हूं कि ये सबटेंड हुआ है, सबटेंड है ना बनना है, सबटेंड होने का मतलब क्या होता है बनना। तो सबटेंड हुआ है किससे, सबटेंड हुआ है आर्क ए बी से, आर्क ए बी से। आर्क ए बी को कैसे डिनोट कराते हैं, आर्क ए बी लिख के इसे आर्क बना देते हैं ना। तो ये जो एंगल ए ओ बी है, ये एंगल ए ओ बी इस आर्क से सबटेंड हुआ, ऐसे आर्क किया और इसने इसे सेंटर पे आके इतना एंगल बना दिया, ठीक है? या फिर उल्टा सोचें तो इस एंगल से आर्क भी सबटेंड हुई, वहां से भी यहाँ सोचो और यहाँ से भी वहां सोचो, कुल मिलाकर इस एंगल का इस आर्क से कनेक्शन है सीधा सीधा। अब सपोज करो अभी ये आर्क इतनी है तो एंगल इतना बना, अगर ये आर्क ज्यादा बड़ी होती तो
एंगल भी ज्यादा बड़ा बनता बनता नहीं बनता। मान लो ये आर्क ए से बी तक है, मान लो ये थोड़ी सी यहां तक होती, यहां तक होती, मान लो ये सी तक होती, इस जगह तक होती है सी तक, तो फिर अब एंगल भी बड़ा बनता। देखो इतना बड़ा एंगल बना, जितनी बड़ी आर्क उतना बड़ा एंगल, या उल्टा सोचो जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी सामने आर्क बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, एक सर्कल बनेगी। अब रेडियन मेजर की परिभाषा सुनो, रेडियन मेजर की परिभाषा है एक यूनिट सर्कल में एक सेंटीमीटर की आर्क, अच्छा आर्क की लंबाई भी हो सकती है, आर्क की लंबाई भी हो सकती है, भाई यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है उस आर्क की लंबाई है, यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है ए से लेके सी तक वो उस आर्क की लंबाई है। सो ये जो लंबाई है हम कैसे नापते थे, एक्टिविटी भी करके बताई थी कि आर्क को नापने के लिए हम क्या करें, जैसे हमने एक धागे से एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसमें एक हिस्सा काट दिया, आर्क काट दी, अब इस धागे को हम सीधा कर सकते हैं, सीधा करके आप इसको नाप लो वो आर्क की लंबाई होती है, तो एक्टिविटी फॉर्म में और फॉर्मूला फॉर्म में, आप पेपर में तो धागा वागा नहीं कर सकते ना, तो फॉर्मूला फॉर्म में हमने एक लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला सीखा था, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, याद है पूरे सर्कमफेरेंस का कितना हिस्सा, थीटा बाय 360 हिस्सा, जहां पे थीटा वो एंगल है जो वो आर्क सेंटर पे बना रही है, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो 60 डिवाइडेड बाय 360 और पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस इनटू कर लो उसे 2 पाई आर, ठीक है। तो अब सुनना रेडियन मेजर का डेफिनेशन, एक यूनिट सर्कल में एक सेंटीमीटर लंबी आर्क, आर्क की लंबाई हो सकती है ना, कितनी लंबी आर्क भाई, जितनी लंबी आर्क उतना बड़ा एंगल, तो मैं एक सेंटीमीटर लंबी आर्क की बात कर रहा हूं, एक सेंटीमीटर लंबी आर्क एक यूनिट सर्कल में जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो एंगल एक्चुअली एक रेडियन का एंगल है, यह है एक रेडियन की परिभाषा। एक रेडियन की परिभाषा समझ में आई, एक यूनिट सर्कल में एक सेंटीमीटर लंबी आर्क, यानी सर्कल की रेडियस भी एक सेंटीमीटर और आर्क की लंबाई भी एक सेंटीमीटर, अब वो आर्क जो है सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगी, वो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे भैया ये एक रेडियन का एंगल है। क्लियर है क्या? ठीक है, फिर से सुनो, ये एक यूनिट सर्कल है, ये एक क्या है, यूनिट सर्कल है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, इसकी रेडियस क्या है, एक सेंटीमीटर, मतलब ये भी एक सेंटीमीटर, ये भी एक सेंटीमीटर, और तो और ये आर्क की लंबाई भी एक सेंटीमीटर, तीनों एक सेंटीमीटर, रेडियस बराबर होते ना दोनों साइड, तो अब ये जो एंगल बना ना, ये एंगल एक्चुअली एक रेडियन का एंगल है, इसको मैं कह सकता हूं वन रेडियन एंगल, इसको मैं क्या कह सकता हूं वन रेडियन एंगल। देखो बेटा, एक्स एक्सिस पे जब अपन डिग्री ले रहे थे और वाई एक्सिस पे जब अपन रियल नंबर ले रहे थे तो रियल नंबर बड़े छोटे छोटे बन रहे थे, मैंने आपको करके बताया ना, उसके 60 हिस्से करने पड़ेंगे, और उल्टा करें इधर तो सही रियल नंबर ले लें, इधर तो हम मान लो एक को ऐसे लिखते हैं, दो को ऐसे लिखते हैं, तीन को ऐसे लिखते हैं, तो वो एंगल बड़ी दूर बनता बनता ना भाई, एक सेंटीमीटर यहाँ और फिर इसको कंपेयर करो 30 सेंटीमीटर यहाँ, तो 30 तो कहाँ बनता, बहुत दूर, और यहाँ पे एक इतना सा बना, तो उन्होंने क्या कहा, वाई एक्सिस पे तो सही रहने दो, एक्स एक्सिस पे जो लंबा है उसको छोटा करो, जो लंबा है उसको छोटा करो। तो डिग्री मेजर में आप मानते हो, डिग्री मेजर में लगभग ये करीब 30 से 45 डिग्री का एंगल है, लेकिन रेडियन मेजर में तो ये एक ही रेडियन का एंगल है, तो आप बड़ा एंगल छोटा हो गया, एक यूनिट चेंज करते ही बड़ा एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, मेजरमेंट में छोटा हो गया, एंगल तो उतना ही है, उसकी जो यूनिट है वो थोड़ी सी विस्तार से, जैसे मैंने कहा कि आलू लेके आया, मैं कितने आलू लेके आया, तो मैंने कहा कि 3750 ग्राम, ये क्या यूनिट बता रहा है, ढंग से बता, मैंने कहा 4.25 किलो, बात तो वही है, तो आलू उतना ही है, पर एक बड़ी यूनिट में बताने के बजाय मैंने छोटी यूनिट में बता दिया 4.25 किलो 3750 ग्राम होता है, होता है नहीं होता, 3500 ग्राम 3.5 किलो, 3750 ग्राम 4.25 किलो, तीन, या ऐसे कई बार अपन ऐसे बोलते हैं 3 किलो और 3 किलो 3 पाव, 3 पाव 750 ग्राम का होता है ना, ऐसे बोलते, क्लियर है ना, समझ में, तो एंगल वही है, लेकिन पहले उसकी जो यूनिट थी वो इतनी बड़ी थी कि रियल नंबर में समा ही नहीं पा रही थी, वो दूर दूर बन रही थी, कितना बड़ा पेज बनाएंगे, 180 डिग्री के लिए 180 यूनिट को ना बनाने बैठे, तो हमने उस एंगल वही है उसका यूनिट छोटा कर दिया। ये तो 100% आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेडियन बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, एक डिग्री से एक रेडियन, भाई डिग्री में एक डिग्री का एंगल कितना सा बनेगा, इतना सा बनेगा, और एक रेडियन इतना बन रहा है देखो, क्योंकि एक सेंटीमीटर का लगभग यही सर्कल बनेगा अंदाजे से मैंने बनाया, और उसमें एक सेंटीमीटर लंबी आर्क लगभग यही बनेगी अंदाजे से बनाया, हालांकि पर एक सेंटीमीटर आप बनाने में बैठोगे तो करीब करीब थोड़ा बहुत छोटा, पर फिर भी एक रेडियन का एंगल इतना है, और एक डिग्री का कितना सा होता है, इतना सा होता है,
ठीक है, तो रेडियन मेजर जो है वो उन बड़ों को छोटा करने का काम कर रही है। समझ में आया? एक रेडियन की परिभाषा समझ में आई? फिर से बताओ एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है? वाले सर्किल में एक सेंटीमीटर लंबी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल एक रेडियन का होगा। इस रिलेशनशिप को यूज करके आप कन्वर्जन का काम कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि अब लिखवाने का काम तो मैं लिखवा दूंगा, अब क्योंकि इतना समझ में आ गया तो इसी फिगर से आगे की कहानी भी समझ लेते हैं कि सर वो रिलेशन कहाँ आया। ठीक है ना, फिर लिखने का काम एक साथ पूरा कंटिन्यू कर लें। ठीक है, अब सुनना जरा भाई, एक सेंटीमीटर लंबी आर्क अगर एक रेडियन का एंगल बनाती है तो दो सेंटीमीटर लंबी आर्क दो रेडियन का नहीं बनाएगी क्या? सर्किल की लंबाई वही रखो, आर्क की लंबाई बढ़ा दो। सर्किल की लंबाई का मतलब है सर्किल की रेडियस वही रखो, आर्क की लंबाई बढ़ा दो। तो अभी ये ए बी जो है एक सेंटीमीटर लंबी आर्क है, तो सी तक ले लूं मैं, इतना ही और ले लूं, तो ये दो सेंटीमीटर लंबी आर्क हो गई ए से सी। बोलो, ए से सी दो सेंटीमीटर लंबी आर्क हो गई। तो यहां से लेके यहां तक जो ये एंगल अब बनेगा, इस एंगल को मैं कह दूंगा साहब ये दो रेडियन का एंगल है। कह दूंगा एक सेंटीमीटर लंबी आर्क एक रेडियन का एंगल, दो सेंटीमीटर लंबी आर्क दो रेडियन का एंगल, तीन सेंटीमीटर लंबी आर्क तीन रेडियन का एंगल। तो ऐसे हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। क्लियर है? अब पूरा जो सर्किल है वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा इसकी बात करते हैं। तो पूरे सर्किल की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। एक सेंटीमीटर की आर्क एक रेडियन का एंगल, दो सेंटीमीटर की आर्क दो रेडियन का एंगल, तीन सेंटीमीटर की आर्क तीन रेडियन का एंगल। तो पूरा सर्किल जो बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर रेडियन है पूरा, मतलब पूरा सर्किल जो 360 डिग्री में जो 360 डिग्री होता था रेडियन में वो 2 पाई आर रेडियन है, जहां पे पाई की वैल्यू 22/7 है और आर उसका रेडियस है, और जो कि इस समय 1 सेंटीमीटर है, जो कि इस समय क्या है 1 सेंटीमीटर। समझ आया? फिर से सुनो, 1 सेंटीमीटर लंबाई की आर्क 1 रेडियन का एंगल बनाती है, 2 सेंटीमीटर लंबी आर्क 2 रेडियन का एंगल बनाती है, तो पूरे सर्किल की लंबाई 2 पाई आर होता है। पूरे सर्किल की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर सेंटीमीटर लंबी होता है एक सर्किल हमेशा। तो वो 360 डिग्री का एंगल डिग्री में तो कितना बनाती थी? 360 डिग्री बनाती थी, बनाती थी, बोलो बनाती थी नहीं बनाती थी। तो 2 पाई आर में आप पाई की वैल्यू कोई 22/7 लोगे, लेकिन ये यूनिट सर्किल है तो इसमें रेडियस की वैल्यू क्या ले लोगे? 1 सेंटीमीटर, मतलब एक तरीके से आप इसको रेडियन लिखो। 2 पाई आर सेंटीमीटर लंबी आर्क जो है 2 पाई आर रेडियन एंगल बनाएगी। बताओ भाई, 1 सेंटीमीटर 1 रेडियन, 2 सेंटीमीटर 2 रेडियन, तो 2 पाई आर मतलब फुल सर्किल, मतलब फुल सर्किल कितने रेडियन का एंगल बनाएगी? 2 पाई आर रेडियन बनाएगी। तो यहां पे आर की वैल्यू पता है ना मुझे 2 पाई सेंटीमीटर, तो एक तरीके से 2 पाई सेंटीमीटर, 2 पाई सेंटीमीटर लंबी आर्क 2 पाई आर रेडियन का एंगल बनाएगी। क्लियर है यहां पे? तो अब आप यहां से देखो 2 से 2 गया, अच्छा पाई सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब ये 2 पाई सेंटीमीटर को क्या मैं लिख सकता हूं एंगल में, ये कितना है 360 डिग्री भाई, एक फुल सर्किल एंगल में कितना है 360 डिग्री ना डिग्री मेजर में। सो 360 डिग्री में 2 पाई आर रेडियन आ गए, 2 से कटा, अच्छा यहां पे भी तो आर की वैल्यू 1 है, रेडियस तो 1 है ना, सो 2 से तो 2 से तो ये 180 डिग्री कट गया, कट गया, और 1 इधर लिख देता हूं 180 डिग्री। अभी ये सब फेयर करवा दूंगा, 180 डिग्री में कितने रेडियन आए? पाई आर रेडियन आए, और आर की वैल्यू तो 1 है ना, यूनिट सर्किल ले रहे हैं अपन, सो 180 डिग्री में पाई रेडियन समा गए, यानी 180 डिग्री कितना होता है? सेमी सर्किल। 180 डिग्री कितना होता है? तो एक सेमी सर्किल में यानी आधा जो सूरज होता है ना वो 180 डिग्री का होता है, तो रेडियन में 22/7 रेडियन का माना जाएगा। रेडियन में वो कितना माना जाएगा? पाई रेडियन, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, यानी लगभग 3/4 रेडियन का। डिग्री में वो 180 डिग्री का है, डिग्री में वो 180 डिग्री का है, लेकिन रेडियन में वो केवल 3/4 रेडियन के आसपास है। इसको अपन वो 3/4 भी ना लिखते हैं, पाई बोल देते हैं, सिंपली पाई रेडियन के बराबर। रिलेशनशिप समझ में आया? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब फुल सर्किल कह लूं 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन, यानी 3/4 का लगभग दुगना, 6.5 रेडियन, यानी पूरा सर्किल डिग्री में तो 360 डिग्री का था पर रेडियन में लगभग 6.5 रेडियन के, 6.5 से भी थोड़ा सा कम रेडियन का है। तो कोई मोटा मोटा अंदाजा पूछे ना कभी भी कि एक फुल सर्किल में रेडियन कितने आते हैं, लगभग 6.5 रेडियन में सर्किल खत्म हो जाता है। ठीक है, और आधा सर्किल 3/4,
और बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे तो पाई और टू पाई, पाई में तो आधा सर्किल और टू पाई में पूरा सर्किल, और डिग्री मेजर में आधे में 180 डिग्री और पूरे में 360 डिग्री। ये बात तो खैर आपको पहले से पता होगी। क्लियर है यहां तक? सारी बातें क्लियर है? बोलो रिलेशनशिप समझ में आया कि पाई रेडियन से 180 डिग्री का रिलेशनशिप हमको कहां से मिला? रेडियन मेजर के डेफिनेशन से मिला। रेडियन मेजर की डेफिनेशन ये है कि एक सेंटीमीटर बराबर एक रेडियन, दो सेंटीमीटर बराबर दो। उस डेफिनेशन को कन्वर्ट करते गए करते गए करते गए तो हमको पता चला कि जो पूरा 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन बना रहा है, तो फिर 180 डिग्री पाई रेडियन बनाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नोट करो। ये तो था रफ वर्क का ना, तो हम कहां तक पहुंच गए? डेफिनेशन ऑफ रेडियन मेजर। अब केवल नोट करने का काम है, कल अपन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप और पढ़ना है आज की क्लास का, लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशनशिप। पहले ये नोट कर लेते हैं फिर उसको देखते हैं, बाकी फिर कल एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी, है ना। डेफिनेशन ऑफ रेडियन मेजर लिखो, लिखना चाहो तो या फिर समझो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल की डेफिनेशन है ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। इज कॉल्ड 1 रेडियन की परिभाषा मिल गई मुझे, है ना। 1 रेडियन में कितना मुंह खुलेगा, कितना मुंह खुलेगा? तो एक सेंटीमीटर लंबी आर्क एक यूनिट सर्किल पे कितना एंगल बनाएगी उतना ही मुंह खुलेगा एक रेडियन। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क से एंगल सबटेंड करो आप, एक सेंटीमीटर लंबी वो आर्क होनी चाहिए। कहां सबटेंड करो? सेंटर पे सबटेंड करो। सेंटर एक सर्कल का होता है, सर्कल की रेडियस क्या ले लो आप, यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब ये जो एंगल सबटेंड हुआ ये एंगल एक्चुअली 1 रेडियन का सबटेंडेड एंगल। एक फिगर भी बना दिया मैंने, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और अगर इन केस ये आर्क भी 1 सेंटीमीटर है तो फिर ये एंगल भी 1 रेडियन का एंगल है। डन? ठीक है, अब ये एक है, ये दो होगा, ये तीन होगा, ये चार होगा, ये पांच होगा, छह, कर लगभग 6.5 में तो पूरा सर्किल खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, चले आगे। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वैसे कैलकुलेशन तो आपको समझ के लिए ना भी लिखो, डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखो तो भी चलेगा। क्या लिखा हुआ? हाँ, क्या क्या आर्क या रेडियस? आर्क तो 2 रेडियन का एंगल होगा भाई, सिंपल सी बात है। एक सेंटीमीटर में एक रेडियन का एंगल है ना, तो अगर मान लो इसका दुगना कर दूं मैं, यहां तक कर दूं, तो अब ये एंगल थोड़ा ज्यादा खुल गया, तो इसको कह दूंगा मैं 2 रेडियन का एंगल। सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाते जाओ एंगल बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ाते जाओ एंगल बढ़ता जाएगा, पूरी बढ़ा के कंप्लीट कर दो, पूरी बढ़ा के कंप्लीट कर दो, तो अब ये जो यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल बना, डिग्री में तो इसको 360 डिग्री कहते हो, रेडियन में इसको क्या कहोगे? 2 पाई रेडियन एंगल कहोगे। क्या कहोगे? 2 पाई। पूरा चक्रा 2 पाई का, आधा चक्रा पाई का। डिग्री में पूरा चक्रा 360 डिग्री का, आधा चक्रा 180 डिग्री का। रेडियन में पूरा चक्रा 2 पाई का और आधा चक्कर पाई का, पाई रेडियन। अब वहां पे पाई की वैल्यू कभी कभी तो अपने को रखनी पड़ती है 22/7, और कभी कभी पाई को पाई भी छोड़ देते हैं जनरली। अभी शुरुआत इस एक्सरसाइज में तो हो सकता है वो रखवाए, पाई की वैल्यू रखो 22/7 या 3.14, लेकिन ये एक्सरसाइज क्रॉस हो गई ना एक बार, आगे कभी पाई की वैल्यू नहीं रखी जाती, पाई को पाई रीड किया जाता है ना एंगल के अंदर। जैसे 90 डिग्री को मैं कहूंगा पाई बाय 2, तो सिंपली पाई बाय 2 कहूंगा मैं, उसमें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखने वाला, सिंपली पाई बाय 2 इसको कहेंगे, क्योंकि 180 डिग्री अगर पाई है, 180 का आधा 90, तो पाई का भी आधा पाई बाय 2। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल एओबी जो है 1 रेडियन का एंगल है, एओबी ये एंगल 1 रेडियन का एंगल है, अगर अगर रेडियस भी 1 है और आर्क की लंबाई भी 1 है। अगर ये दो बातें हैं तो इस बात का होना निश्चित, अगर रेडियस भी 1 है और आर्क की लंबाई भी 1 है। ठीक है, अब कोई कहे सर सर्किल का रेडियस 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर कर दूं, मतलब सर्किल बड़ा बना दूं फिर, अब तो वही रेशियो चलेगा भाई, रेशियो का ही तो खेल है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब आपने सर्किल का रेडियस कर दिया 2 सेंटीमीटर, तो अब 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई भी 2 सेंटीमीटर लो, तब जाके 1 रेडियन बनेगा भाई। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पे एक रेडियन बन रहा था, तो अगर सर्किल की रेडियस ही 2 सेंटीमीटर है तो आर्क की लंबाई भी अब 2 सेंटीमीटर करो तभी 1 रेडियन बनेगा, और 3 सेंटीमीटर है तो फिर 3 सेंटीमीटर की लंबाई लो तो भी 1 सेंटीमीटर बनेगा। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, छोटा सर्किल है, छोटा सर्किल है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ही आर्क है, एक रेडियन बन गया, बन गया, बन गया। अब बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल है, तो आर्क भी मैंने 2 सेंटीमीटर की ले ली, उससे भी 1 रेडियन का एंगल बनेगा। यानी इधर जितना मुंह खुला हुआ है ना,
सेम टू सेम एग्जैक्टली उधर ही, उधर भी उतना ही मुंह खुला हुआ होगा। आप कहोगे सर कैसे खुला होगा, इधर तो 2 सेंटीमीटर लिया है ना आपने, तो रेडियस भी तो 2 सेंटीमीटर। इधर मैंने अगर ऐसे ज्यादा लिया है तो ऐसे भी तो ज्यादा लिया है, अभी भी वो सेम मुंह खुलेगा। जितना मुंह उधर खुल रहा है ना एक रेडियन का, उतना ही उधर खुलेगा। अब रेडियस अगर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम एक बार के लिए उसको जनरलाइज कर देते हैं और हम उसको यूनिट सर्कल में ही नापते हैं। मतलब डेफिनेशन यूनिट सर्कल में डिफाइन है, लेकिन एंगल यूनिट सर्कल में ही बनेगा ऐसा नहीं कहा मैंने। एंगल तो 10 सेंटीमीटर के सर्कल में भी बनेगा, 50 में बनेगा, 60 में बनेगा, किसी में भी बन सकता है। पर डिफाइन करने के लिए एक चीज चाहिए ना, बेस चाहिए, उस बेस को मैंने यूनिट सर्कल लिया। क्लियर है क्या? ऐसे मत सोचना कि एंगल केवल यूनिट सर्कल में बनता है और किसी में नहीं बनता है। बस वो रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर आपको। क्लियर है उसको? ये टॉपिक खत्म होते होते वो रेशियो भी मिल जाएगा, भाई कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो तो आ जाओ, यहां तक हो गया। अब रिलेशन डेरिवेशन बिटवीन एंगल ऑफ, रिलेशन डेरिवेशन ऑफ एंगल बिटवीन, कहां गया? भी आगे आ गया ये फाइनल टॉपिक पे आ गया। रिलेशन डेरिवेशन ऑफ एंगल बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बट डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्जन होता है, जो हमको रिलेशन मिला अभी रफली समझाया था, उसको फेयर कर रहे हैं। देखो हमको पता है एक सर्किल की टोटल लंबाई 2πr होती है। एक सर्किल की टोटल लंबाई क्या होती है? 2πr सर्कमफेरेंस। तो अगर सर्किल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो फिर टोटल लंबाई 2πr सेंटीमीटर मानी जाएगी। आर की जगह 1 रख दिया मैंने, यूनिट सर्किल की बात कर रहे हैं। टोटल लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल क्या हो जाएगी? देखो किसी भी सर्किल की लंबाई 2πr होती है, तो यूनिट सर्किल की लंबाई 2πr होगी नहीं होगी? होगी। अब अभी डेफिनेशन जो आपने सीखी, आपने क्या सीखा कि एक आर्क जो 1 सेंटीमीटर लंबी है वो 1 रेडियन का एंगल बनाती है, तो जो एक आर्क 2πr सेंटीमीटर लंबी है वो 2πr रेडियन का एंगल बनाएगी। भाई 1 सेंटीमीटर 1 रेडियन का एंगल, 2 सेंटीमीटर 2 रेडियन का एंगल, तो अब मेरी आर्क टोटल फुल सर्किल कितने सेंटीमीटर का होता है? 2πr का। वैसे 2πr आर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर रेडियस ले लें तो लंबाई टोटल कितनी होगी? 2πr। सो 2πr सेंटीमीटर का सर्किल जो है, यानी पूरा सर्किल जो है 2πr रेडियन बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? अब डिग्री में तो वो 360 डिग्री बनाता था, डिग्री में तो वो क्या बनाता था? 360 डिग्री बनाता था। भाई हमको पता है कि एक फुल सर्किल जो है जिसकी लंबाई 2πr सेंटीमीटर है, देखो इधर, देखो इधर समझो, एक फुल सर्किल जो है, देखो फिर से आओ, एक फुल सर्किल जो है उसकी लंबाई क्या है? 2πr सेंटीमीटर, और अभी रेडियन की डेफिनेशन के हिसाब से वो 2πr रेडियन बना रहा है, बना रहा है। ये तो रेडियन की डेफिनेशन हो गई। पुरानी बात क्या है? पुरानी बात यह है कि जो एक 2πr सेंटीमीटर का जो सर्किल है वो 360 डिग्री बनाता था। इसका मतलब LHS से LHS इक्वल हुआ तो RHS से RHS इक्वल हुआ। भाई पुरानी बात क्या है? पुरानी बात सर यह है कि अगर पूरा सर्किल है तो 360 डिग्री, ये तो पता है ना, पूरा सर्किल है तो पूरा सर्किल 2πr 360 डिग्री का है। नई बात क्या है? नई बात है कि जो पूरा सर्किल है वो रेडियन में 2πr रेडियन बनाता है। ऐसा कहां से पता चला? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 रेडियन, 2 सेंटीमीटर 2 रेडियन, 3 सेंटीमीटर 3 रेडियन, 4 सेंटीमीटर 4, तो 2πr सेंटीमीटर 2πr रेडियन, यहां से पता चला ना सर। तो इसका मतलब 2πr रेडियन 360 डिग्री है। दोनों बातों को एक साथ सोचे थे, ठीक है भाई। लकी ने कहा सर मेरे हिसाब से तो है ना पूरा सर्कल 360 डिग्री बनाता है, मैंने बचपन से पढ़ा है। प्रियांशु ने कहा कि सर मैंने नई बात पढ़ी है कि पूरा सर्कल 2πr रेडियन बनाता है। आप भी पूरे सर्कल की बात कर रहे हो, आप भी पूरे सर्कल की बात कर रहे हो, आप डिग्री में बात कर रहे हो 360 डिग्री, आप रेडियन में बात कर रहे हो 2πr रेडियन। अब मेरे को इसकी बात भी मानी है, इसकी बात भी मानी है, तो मैं इस कंक्लूजन में निकलूंगा। तो ऐसे मान लो चलो 360 डिग्री 2πr रेडियन के बराबर है, आप भी सही, आप भी सही। तो ये भी फुल सर्कल की बात कर रहा है, ये भी फुल सर्कल की बात कर रहा है, लेकिन ये रेडियन में बात कर रहा है, ये डिग्री में बात कर रहा है। तो यहां से कंपेयर होके मिला कि 2πr रेडियन 360 डिग्री होता है। समझ आया क्या? समझ आया? 2πr रेडियन 360 डिग्री होता है। सो यहां से जो चीज क्लियर हो गई वो ये हो गई कि 2πr रेडियन, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, चेक करो, 2πr रेडियन 360 डिग्री, 2πr रेडियन 360 डिग्री। 2 से काट 2 में इसको, भाई 2 को उधर डिवाइड करा दूं तो पाई रेडियन क्या मिला? 360 से 2 डिवाइड करके 180 डिग्री, और उसको रिलेशनशिप में लिखें तो पाई रेडियन, रेडियन का साइन ये होता है छोटा सी, और 180 डिग्री, डिग्री का साइन होता है छोटा ओ, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, जो शुरू में हमने रिलेशनशिप लिखा था अभी वो प्रूव हो गया। समझ आया क्या? अच्छे से बताओ, जो शुरू में रिलेशनशिप लिखा था तो यहाँ जाके प्रूव हो गया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक ये है कि रेडियन को या डिग्री को जब अपन मेजर करते हैं तो उसके टुकड़े भी कर देते हैं। टुकड़े मतलब एक डिग्री को और टुकड़ों में तोड़ दो और फिर वो टुकड़ा बना उसको और टुकड़ों में तोड़ दो, ठीक है। तो उन टुकड़ों को कहते हैं मिनट्स एंड सेकेंड्स। क्या कहते हैं उन टुकड़ों को? मिनट्स एंड सेकेंड्स। क्या कहते हैं? तो याद रखना, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। अब ये मिनट एंड सेकेंड, वो मिनट एंड सेकेंड नहीं है घड़ी वाले, इनका नाम बस मिनट एंड सेकेंड है। क्योंकि इसका नाम मिनट एंड सेकेंड इसलिए है क्योंकि रिलेशनशिप उस घड़ी का यूज कर रहे हैं। जैसे घड़ी में भी एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, उस रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उस यूनिट का नाम ही मिनट और सेकेंड रख दिया गया, ठीक है। मिनट का नोटेशन होता है सिंगल डैश और सेकेंड का नोटेशन होता है डबल डैश। सिंगल डैश मिनट, डबल डैश क्या? सेकेंड। तो एक सपोज करो मैंने कहा कि ये कितने डिग्री का एंगल है, तो आपने कहा सर 5 डिग्री तो पूरा हो रहा है और थोड़ा सा और जाता है, तो वो थोड़ा सा जो हिस्सा है वो मिनट में नापा जाएगा। जैसे मान लो 3.5 किलो है तो 3 किलो तो पूरा है और बचा हुआ ग्राम में नापा जाएगा 500 ग्राम। समझ गए ना? तो छोटी यूनिट भी चाहिए होती है ना, छोटी यूनिट चाहिए होती नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा चलो घड़ी की बात करते हैं, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे में 3 घंटे तो पूरे, ये आधे घंटे का क्या सिस्टम है, तो मैंने उसको मिनट में बदल दिया 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट हुआ, तो वैसे ही उस डिग्री को भी छोटे से मिनट में बदल दिया और फिर मिनट को और बदल दिया किसमें? सेकंड में। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां से सुनना एक रेडियन की गणित क्या है। अगर पाए रेडियन में 180 डिग्री है तो सोचो जरा एक रेडियन में कितना होगा। ये पाए उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बोलो भाई मुझे एक चीज बताओ, 3 पेन अगर 30 रुपए में है तो एक पेन कितने का है? बोलो कैसे पता चला? 3 को उधर डिवाइड करा दिया, ऐसे ही किया। तो अभी हमारे पास अगर पाए रेडियन में 180 डिग्री है तो एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, कैसे पता करेंगे? पाए को उधर डिवाइड कराएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 180 बाय पाए डिग्री। तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं बताओ? एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 बाय पाए डिग्री होते हैं। और उल्टा सोचूं, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आप 180 को इसके नीचे लाओ, पाए बाय 180 रेडियन। ये चीज समझ में आई क्या? फिर से सुनो, पाए रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, जनरल रिलेशनशिप है। आप तो सर हमको एक के हिसाब से सोचो, बताओ कि एक डिग्री में कितने रेडियन या एक रेडियन में कितने डिग्री, ये बताओ आपको। तो मैंने कहा ये रिलेशनशिप है ना, जनरल रिलेशनशिप है ना आपके पास, ऊपर वाला ये जनरल रिलेशनशिप है ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री ये है ना। मैंने कहा कन्वर्ट कर लो। अगर आपको एक रेडियन चाहिए तो पाई को उधर ले जाओ और एक डिग्री चाहिए तो 180 को उधर ले आओ। तो एक रेडियन चाहिए था तो पाई 180 के नीचे आ गया, क्या हो गया? 180 बाय पाई डिग्री हो गया। और जब एक डिग्री चाहिए था तो 180 को उधर ले आया तो 180 पाई के नीचे आ गया, पाई बाय 180 रेडियन हो गया। तो उस जनरल रिलेशनशिप से दो बेसिक रिलेशनशिप और निकल गए। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 30 डिग्री में कितने रेडियन है या 3 रेडियन में कितने डिग्री है, तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो मैंने आपको कह दिया 5 डिग्री में कितने रेडियन है, तो आपको पता है ना एक डिग्री में इतने, तो 5 में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 में इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? मैंने कहा 25 डिग्री में कितने रेडियन है, तो एक डिग्री में अगर इतने हैं तो 25 डिग्री में इस जो भी चीज रखी उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। या उल्टा पूछूं, एक रेडियन में इतने डिग्री है, मैंने कहा 10 रेडियन में कितने डिग्री है, तो एक रेडियन में अगर इतने हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने डिग्री 10 रेडियन में हो जाएंगे। तो इन दोनों से आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब अभी अपन सीख रहे हैं तब तो ये याद हो जाता है, एक रेडियन बराबर 180 बाय पाए और एक डिग्री बराबर पाए बाय 180। आप नोटिस करो मैं बिना पीछे देखे भी नहीं बता पा रहा हूं कि किस केस में तो 180 नीचे है और किस केस में पाए नीचे है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 180 को नीचे लगाऊं या पाए को नीचे लगाऊं। जनरली बच्चे उल्टा कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भी है। तो मैं तो इनको याद आज तक ही नहीं किया, मैं तो वो जनरल रिलेशनशिप याद करो, मस्त रहो। बुक में उन्होंने कहा है 2 याद करो कन्वर्ट करने के लिए, मेरे सामने तो कभी भी सवाल आता है ना कन्वर्ट करने का, तो मैं तो एक ही थ्योरी याद, मेरे को तो एक ही थ्योरी याद है सर, आधा सर्कल पाए, पूरा सर्कल 2 पाए, पाए रेडियन 180 डिग्री, 2 पाए रेडियन 360 डिग्री। अब जो चाहे कन्वर्ट करा लो मुझसे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज करो मैंने कहा आपको 5 डिग्री बताओ, मैंने क्या क्या कहा आपको, क्या कहा आपको बताओ,
5 डिग्री, या मैंने कहा 30 डिग्री, बताओ क्या बताओ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, 1 डिग्री में अगर इतने रेडियन है तो 30 डिग्री में कितने होंगे, पाई बाय 180 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे 30 से एक बार गया, 30 से 6 बार गया, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, लेकिन ये तो तब ना जब मुझे ये रिलेशनशिप याद था, मुझे याद ही नहीं था ये, मुझे क्या याद था, ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आपने कितने डिग्री पूछा मुझसे, कितने डिग्री पूछा, मैं इधर 30 डिग्री रखूंगा, रख दिया मैंने, डिग्री के नीचे डिग्री रख दिया, और अब सवाल ये कि कितने रेडियन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पाई इनटू 30 डिवाइडेड बाय 180, आंसर वैसे भी आ गया। यूनिटरी मेथड कहते हैं ना इसको, ये लो अभी भी पाई बाय 6 आ गया। तो अगर आप ये ओरिजिनल रिलेशनशिप याद रखें तो चाहो तो कितने भी डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो, चाहो तो कितने भी रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। डिग्री पूछे तो डिग्री के नीचे रख दो, रेडियन पूछे तो रेडियन के नीचे रख दो, और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या सर, पहले आप इससे 1 डिग्री निकाल रहे हो, 1 डिग्री से फिर 30 डिग्री निकाल दो, बच्चों वाला मेथड हो गया। ये तो वही बात हो गई कि 3 पेन 30 रुपए के, तो 6 पेन बताओ, तो आप पहले 3 पेन से 1 पेन निकालो, फिर 1 पेन से 6 पेन निकालो, बेवकूफ कहलाओगे नहीं कहलाओगे 12वीं क्लास 11वीं क्लास में आने के बाद। 3 पेन से 30 रुपए तो 6 पेन से 60 रुपए सीधे निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो वही काम हम करेंगे, हम 1 रेडियन और 1 डिग्री का याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा, मुझे तो आज तक नहीं हुआ, याद हुआ तो इतना ही हुआ कि अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि पहले वाले केस में पाए नीचे, अभी इस क्लास से बाहर जाएंगे फिर भूल जाऊंगा किसके नीचे क्या था। तो मैं तो एक जनरल रिलेशनशिप याद रखता हूं। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री के नीचे डिग्री रखो, रेडियन में कन्वर्ट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे किसी को भी किसी में कन्वर्ट करो। फिर भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि याद मत करना, कोशिश तो करना, देखो याद हो जाए तो अगर आपके 1 सेकंड भी बचता है ना एग्जाम में, तो अभी इसको कन्वर्ट करने में 1-2 सेकंड तो एक्स्ट्रा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब अगर आपका 1-2 सेकंड भी बचता है तो वो भी बहुत फायदेमंद होगा 11वीं 12वीं के एग्जाम में, क्योंकि पेपर आता है लेंथी, सुपर लेंथी। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट याद करो तो बहुत अच्छी बात है, हर टीचर आपको ये सजेस्ट करेगा, इवन एनसीईआरटी ने भी बोला है कि डायरेक्ट याद करो, 1 डिग्री में इतने, अब देखो 1 डिग्री में इतने, 1 रेडियन में इतने, कुछ भी टोटका उटका लगा के याद कर लो कि रेडियन से डिग्री में पाई नीचे आता है, तो कुछ भी ऐसी कोई बात याद रख लो जिससे पता याद रह जाए, नहीं तो ओरिजिनल रिलेशनशिप तो है ही से। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है सारी बात? चलो, तो जो आपको नोट करना है वो ये है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री। 1 रेडियन निकालने के लिए क्या किया मैंने, क्या किया, इस पाई को उधर ले गया, तो कितना आया 180 बटे पाई डिग्री। और अगर 1 डिग्री निकालना था तो 180 को उधर ले आया, 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, पाई बाय 180 रेडियन। यहां तक क्लियर है? अब इसको फर्दर सॉल्व करना है क्या सर? फर्दर सॉल्व करने का मतलब पता है क्या है, कि पाई की वैल्यू 22/7 रखो, इधर भी पाई की वैल्यू, तो इसको फर्दर सॉल्व करना है क्या, तो आंसर इज नो, नहीं करना है। पर एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि 1 रेडियन में एक्चुअली कितना होता है, रख के तो बताओ एक बार। सो अब अगर आप इसमें 180 और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ठीक है, 180 और 22/7 रखेंगे, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी निकल के आएगी। सो इसको जीके के सवाल की तरह याद रख लो कि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट, फिर डिग्री को भी तोड़ दिया ना, 1 डिग्री में 60 मिनट के कैलकुलेशन से डिग्री को भी तोड़ दिया, और वो भी अप्रोक्स है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स। मान लो उसने तो कह दिया भैया पूरा ही सॉल्व करके बता, अब पूरा ही सॉल्व करके बताया, बताने के लिए अगर वो कहता है तो वो 100% क्वेश्चन पूछेगा 1 रेडियन का, तो उसको उधर सॉल्व करूं, टाइम वेस्ट करूं, उससे अच्छा याद ही कर लूं भाई। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कुछ तो फैक्ट्स याद करके जाने पड़ते हैं ना, हर चीज सॉल्व थोड़ा करी जा सकती है। मानते हैं कि मैथ्स में सर याद क्यों करें, मैथ्स में तो सॉल्व कर लेंगे टाइम बचाने के लिए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम याद कर लें तो क्या जाता है। तो इसको हम इसमें नोट्स में नोट भी करेंगे कि 1 रेडियन में वैसे तो कन्वर्जन तो ये है सिस्टम, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रखोगे और डिवाइड, चाहे से कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना, 180 को 3.14 से 57 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर वो पॉइंट समथिंग को भी तोड़ के मिनट बना दिया, पॉइंट समथिंग को भी तोड़ के क्या बना दिया, मिनट बना दिया, तो 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स आंसर आएगा। इधर ऊपर रख दो 22/7 22/7/180 करोगे तो अप्रोक्स 0.01746 रेडियन आएगा। जीके के सवाल की तरह उसको याद कर लेना, बाकी कन्वर्जन तरीका वही है ओरिजिनल। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है ना। और देखो अगर अभी जो आज हम सीख रहे हैं इसका 50% भी समझ में आ रहा है तो अगला 50% तो एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा। इवन कई टीचर्स तो 100% पूरा सिखाते हैं एक्सरसाइज से, पर हम 50% थ्योरी तो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट, है ना। और फिर एक नोट डाल के लिख लेना कि मिनट और सेकंड का क्या लफड़ा है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, मिनट का साइन क्या होता है, ऐसे,
और एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। सेकंड का साइन क्या होता है? डबल डैश है ये डबल डैश। क्लियर है? नोट डाल के लिख लिया आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक और है, रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियन, रेडियस एंड रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। देखो तीन चीजें आई मेरे पास जब मैंने यूनिट सर्कल बनाया, एक तो आया रेडियस, आर्क की लंबाई, एक रेडियन। एक सेंटीमीटर रेडियस, एक सेंटीमीटर लंबी आर्क, एक रेडियन का एंगल, एक रेडियन का एंगल। तो तीन चीजें क्या क्या है फिर से बोलो, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियन मेजर। तो इन तीनों में कुछ कनेक्शन होगा, एक 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 से एक कैसे मिला, कुछ तो रेशियो होगा इनके बीच का, उस रेशियो को हमको इस टॉपिक में समझना है। कहने का मतलब है कल को जरूरी थोड़ा ना आपसे एंगल पूछे, आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ ले कि एक एक आर्क जो है तीन रेडियन का एंगल बना रही है एक सर्किल पे, सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ आर्क की लंबाई कितनी, या उल्टा पूछ ले आर्क की लंबाई दे दे। देखो तीन चीजें हो गई, तीन में से कोई भी दो चीजें पूछ के एक आंसर पूछ सकता है ना, वो तीन चीजें हो गई। फिर से बोलो क्या क्या, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल, एंगल रेडियन में, डिग्री में नहीं, एंगल रेडियन में, रेडियन मेजर बोल सकते हैं उसको। फिर से बोलो क्या क्या हो गई तीन चीजें, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियन मेजर। अब इन तीन में से दो चीजें दे देगा कोई सी भी और तीसरी चीज पूछ लेगा। जैसे अभी अपन ने डेफिनेशन में दो चीजें कौन सी रखी, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क गिवन मान लिया, रेडियस 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 1 सेंटीमीटर, और उसका आंसर क्या आया, 1 रेडियन का एंगल। ये तो याद करने वाली बात हो गई, लेकिन एक्चुअली तो मैंने क्या कहा, एंगल बड़े सर्कल में भी बन सकता है, बताया ना एंगल क्या बड़े सर्कल में भी बन सकता है, लेंथ ऑफ आर्क ज्यादा भी हो सकती है, तो वहां पे कितने रेडियन का एंगल बनेगा, तो उसको यूज करने, उसको समझने के लिए एक रिलेशनशिप हमको पढ़ना पड़ेगा। ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, चलो उसके लिए, उसको समझने के लिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दी हुई है, उसको थोड़ा सा देख लो 2 मिनट। अभी जो मैंने आपको बताया ना डिग्री को उसमें कैसे कन्वर्ट करते, देखो एंगल के बारे में जो जो चीजें गिवन है वो भी देख लो यहाँ पे। हाँ, देखो एंगल का मतलब क्या होता है, ये इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन एंगल होता है। ठीक है, अच्छा ये जो साइड होती है, देखो सपोज करो मेरे पास एक रे थी, क्या थी, एक रे लाइक दिस, इस रे को मैंने ऊपर उठा दिया थोड़ा सा, तो ऊपर उठने के बाद वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही, तो वो जो पहले थी और जो अब है, जो पहले थी और वो जो अब है, इसके बीच का जो चीज है इसी को तो एंगल कहते हैं। तो जो पहले थी ना उसको कहते हैं इनिशियल साइड, क्या कहते हैं, इनिशियल साइड, इनिशियल मतलब प्रारंभिक साइड, इनिशिएट करने का मतलब शुरू करना, और जो खत्म हो गई उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, टर्मिनल साइड, और इसके बीच का जो ये मुंह खुल गया इसको क्या कहते हैं, एंगल। अब अगर घड़ी की उल्टी दिशा में अगर आपने खत्म किया है तब तो वो एंगल पॉजिटिव माना जाता है, और घड़ी की दिशा में किया है तो एंगल नेगेटिव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो ऐसे था, अब घड़ी की उल्टी दिशा क्या होती है, ये घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे तो उसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो ये एंगल जो भी बनेगा 3 रेडियन का 4 रेडियन का वो पॉजिटिव माना जाएगा, +5 रेडियन +6 रेडियन +7 रेडियन। लेकिन इस साइड आओ, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोला उसको, खोला तो अभी भी कुछ एंगल बना 3 रेडियन 2 रेडियन 4 रेडियन, आपने तो पता चलेगा, लेकिन इस एंगल को नेगेटिव माना जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, -3 रेडियन, जो भी आया वैल्यू, जो भी आई न्यूमेरिक वैल्यू जो भी आई, लेकिन उसका माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस लगते ही समझ जाना कि घड़ी की दिशा में एंगल खोला गया है, और प्लस समझते ही समझ जाना कि घड़ी की उल्टी दिशा में एंगल खोला गया। ठीक है, अपन सर्किल में भी देखो ऐसे आते हैं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट जो मेजरमेंट होते हैं वो भी घड़ी की उल्टी दिशा में होते हैं, सीधी दिशा में नहीं होते। सीधी दिशा में करें तो फिर नेगेटिव माना जाएगा। क्लियर है ना? जैसे मैंने कहा एक लाइन खींचो, आपने खींच दी, मैंने कहा -30 डिग्री का एंगल बनाओ, मैंने क्या कहा, क्या बोला प्रियांशु, -30 डिग्री का एंगल बनाओ। अब अगर कहता +30 डिग्री का एंगल बनाओ तो ऐसे खोल देते उसको ऊपर, भाई हमारा दिमाग क्या कहता है कि सर ने एक लाइन बनाने के लिए कही है और एक एंगल बनाने के लिए कहा है, ये लाइन बन गई, और 30 डिग्री का एंगल आप ऐसे ही बनाओगे, बोलो ऐसे ही बनाओगे ना, तो मैं कह दूं कि नहीं नहीं 30 डिग्री मत बनाओ, आपको -30 डिग्री बनाओ, तो -30 डिग्री भी आप कैसे बनाओगे, उल्टी दिशा में। ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री का, इसको बोला जाएगा ये एंगल एक्चुअली 30 डिग्री का नहीं है, ये -30 डिग्री का है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है। समझ गया अभी प्लस माइनस एंगल का लफड़ा?
प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बुक में क्या तरीका दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल इधर वाला नेगेटिव। देखो इसको भी देख लो, एक सेंटीमीटर लंबी आर्क, एक सेंटीमीटर लंबाई की नहीं, एक सेंटीमीटर रेडियस, एक सेंटीमीटर लंबी आर्क, तो एंगल भी कितना बना, एक रेडियन, वन रेडियन लिखा हुआ है। इधर आओ, उल्टी दिशा में बनाया तो माइनस वन रेडियन, सब कुछ वही है बस दिशा उल्टी हो गई, क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गई, तो माइनस वन रेडियन। अब रेडियस तो उतना ही है पर आर्क डेढ़ सेंटीमीटर की है सीधी सीधी डायरेक्शन में, तो डेढ़ रेडियन का एंगल माना जाएगा। समझ गए, नीचे आ जाओ, एक आधा एग्जाम्पल और ये आ जाओ। अब डेढ़ सेंटीमीटर ही आर्क है लेकिन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, तो एंगल तो उतना ही बनेगा पर उसके आगे क्या माना जाएगा, ये माइनस डेढ़ रेडियन का एंगल, ये किसका एंगल है, माइनस डेढ़ रेडियन का एंगल। समझ गए ये भी। फिर आइए आप यहाँ पे ये देखो, इसको समझना ध्यान से, हम कैसे रेडियन को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, हम रेडियन को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट। तो ये एक सेंटीमीटर लंबी आर्क है, तो एक सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल है, उसके पास में हम एक नंबर लाइन रख देंगे, ये एक्टिविटी है समझने के लिए, बाकी जो हमको असल चीज समझनी थी सीख चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी को रेफरेंस लेना चाहिए हर चीज के लिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है एनसीईआरटी से। एक सर्किल है, एक सेंटीमीटर उसकी क्या है, रेडियस है, उसके बगल में हमने एक रियल नंबर लाइन खड़ी कर, नंबर लाइन समझते हो, 1 2 3 4 नंबर लाइन खड़ी कर, इस पॉइंट को मैंने जीरो मान लिया, ये रेडियस जहां पे जाके टकरा रहा है ना, उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, जीरो, ऊपर 1 2 3 4 नीचे माइनस, वैसे हम नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, अभी हमने नंबर लाइन वर्टिकल बनाते हैं, ऊपर 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 -4। अब एक रेडियन का एंगल कौन सा है, अभी अभी मैंने बताया, बताओ एक रेडियन का एंगल कौन सा होगा, इसके हिसाब से एक रेडियन का एंगल यही तो होगा, ये एक सेंटीमीटर। अब आप ए से एक सेंटीमीटर लंबाई की आर्क बनाओ, लेट से वो यहां बनी और इसको इससे जोड़ दो, तो ये एंगल एक रेडियन का है, बोलो ये एंगल एक रेडियन का है। अब ये जो लंबाई, ये जो गोलाई है, ये जो गोलाई है, ये भी गोल है, इसको उठा के मैं सीधा कर दूं, इसको उठा के सीधा कर दूं तो ये नंबर लाइन पे यहां जाके टकराएगी, तो ये एंगल को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। मेरा टारगेट क्या था यार, एंगल को नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है जिसमें रियल नंबर्स हो, क्योंकि 30 डिग्री को 30 बार प्लॉट करने में तो जान निकल जाएगी, ग्राफ ही नहीं बनता। तो मैंने क्या करा, आपको एक रेडियन चाहिए ना, आप एक रेडियन बनाओ, एक रेडियन मान लो ऐसे बना हुआ, बना हुआ, तो ये सामने जाके कोई आर्क बना रहा होगा, बना रहा होगा, उस आर्क को पकड़ के सीधा कर दो, ये है नंबर लाइन पे एक सेंटीमीटर। समझ गए, मान लो 2 रेडियन का ज्यादा खुला हुआ है मुंह, तो सामने जाके ज्यादा ही लंबी आर्क बना रहा होगा, उससे दुगनी बना रहा होगा, उसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दो नंबर लाइन पे, भाई मान लो 2 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, उसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दो तो ये 2 मिल गया, फिर 3 को पकड़ के सीधा कर दो वो 3 मिल गया, फिर 4 को पकड़ के सीधा कर दो वो 4 मिल गया, और नेगेटिव साइड में नेगेटिव मिलेगा। मान लो 1 रेडियन नेगेटिव बन रहा होता, उसको पकड़ के सीधा करता तो -1। तो इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी दी हुई है समझने के लिए कि एंगल को नंबर लाइन पे कैसे, एंगल को रियल नंबर कैसे बना सकते हैं। ऐसे मान लो एंगल को रियल नंबर बना दिया, क्लियर है क्या, बाकी रिलेशनशिप तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक्टिविटी थी केवल, ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब सुनो ध्यान से, एक लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमको क्या सीखना है, मुझे एक चीज बताओ, 10th क्लास में हमने सीखा था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, याद है क्या, बोलो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क को लेटर एल से डिनोट कराते हैं, वो याद है, और फॉर्मूला क्या था, मैं नीचे लिख देता हूँ, थीटा बाय 360 डिग्री, पहले लिखना जरूरी नहीं होता था, डिग्री लिखना जरूरी है ना, क्योंकि नहीं तो फिर ये रेडियन मान ले तो कोई इसको है ना, इंटू 2π यही होता था, ठीक। अब यहाँ पे जो ये थीटा होता था 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री जो भी डिग्री, वो डिग्री में होता था, किसमें होता था, किसमें होता था, डिग्री होता था। अब मुझे रेडियन में चाहिए, अब मुझे किसमें चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो अगर ये डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन करने का तरीका भी अभी आपको बताया, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई का, क्या बताया,
180 बाय पाई, तो थीटा की जगह मैंने लिख दिया 180 डिग्री बाय पाई लिख दिया, नीचे क्या है 360 डिग्री इंटू क्या आया है 2 पाई, ऐसे करोगे तो ये पाई हट के नीचे आ जाएगा, 180 डिग्री से 360 डिग्री गया तो 2 बचा, और ये एल की वैल्यू है, ये लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू है, 2 से 2 गया पूरा ही गया, तो एक मिनट रुको, पाई से पाई गया, हाँ 2 से 2 गया पाई से पाई, इधर थीटा तो रखा हुआ है ना, अरे थीटा रेडियन है, यहाँ पे थीटा डिग्री है, यहाँ पे थीटा क्या है डिग्री, अब जैसे ही थीटा डिग्री को 180 डिग्री में पाई लिखा तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो थीटा रेडियन में आ गई, थीटा कुछ भी हो सकता है, जो भी आंसर आए 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आंसर है, तो ये थीटा रेडियन में है या नहीं है, बाकी सब कट गया, 2 से 2 कटा, क्या बचा थीटा रेडियन गुणा आर, ये बचा, सो फाइनल रिलेशन है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, थीटा रेडियन इनटू आर, यानी आपको एंगल पता होना चाहिए रेडियन में, थीटा रेडियन लिखा है मैंने, आपको एंगल पता होना चाहिए किसमें रेडियन में, उसको रेडियस से गुणा कर दो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, प्रूव करते हैं, चलो प्रूव करते हैं, देखो प्रूव करें, मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर लंबी आर्क लेंथ है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो जो एंगल आ रहा था वो 1 रेडियन का आ रहा था इसमें, इसमें रखो एल की जगह 1 रखो, थीटा रेडियन की जगह भी 1 रखो, 1 रखो, होता है ना 1 बराबर 1 इंटू 1, होता है नहीं होता है, तो रिलेशनशिप वैलिड है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का तरीका दोनों को गुणा कर दो, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का तरीका दोनों को गुणा कर दो, जैसे मेरे पास सर्किल है तो पहले तो आप देखो ये रेडियस कितना है, फिर आप देखो ये कितना खुला हुआ है, इसको इससे गुणा करके सामने पता चल जाएगा कितनी लंबी आर्क बनी है, तो उससे 3 रिलेशनशिप निकलेंगे, 3 चीजें है ना, 3 रिलेशनशिप निकलेंगे, मान लो एल निकालना है तो थीटा रेडियन इनटू आर, मान लो रेडियस निकालना है तो थीटा को इसके नीचे ले जाओ, लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल, और मान लो एंगल ही निकालना है, मान लो एंगल ही निकालना है तो फिर लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, 1, 2, 3 आप कोई भी एक याद कर लो तो बाकी के 2 डिराइव कर सकते हो, ठीक है, ये फाइनल टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे एंड दैट्स इट, इसको नोट डाउन कैसे करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर की आर्क 1 रेडियस सर्किल पे 1 रेडियन बनाती है, बनाती है, तो आर सेंटीमीटर की आर्क आर रेडियस के सर्किल पे भी 1 रेडियन ही बनाएगी, भाई ये दोनों सेम होते हैं तो 1 रेडियन बनता है, 1, 1, 1, 2, 2 भी 1 बनाएगी, 3, 3 भी 1 बनाएगी, 4, 4 भी 1 बनाएगी, मतलब लंबाई और रेडियस सेम हो जाए तो एंगल 1 रेडियन का बनेगा ही बनेगा, बनेगा, अब लंबाई मान लो आर सेंटीमीटर की है और रेडियस भी आर, दोनों सेम हो गए ना, तो भी 1 रेडियन का बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, फिर अभी जो मैंने आपको रफली करके बताया उस कैलकुलेशन को देखो, हमको पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ज्यादा स्क्रॉल हो जाता है, हमको पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू 2 पाई आर, 10th क्लास में सीखा है, सीखा है, एल निकालने का तरीका थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू 2, लेकिन यहां पे थीटा 3 डिग्री में है, यहां पे थीटा किस में है, डिग्री में, तो देखो आप थीटा को चेंज कर लो या आप 360 डिग्री को चेंज कर लो, बात एक ही है, अब थीटा को चेंज कर लो, अभी मैंने रफली करके बताया तो मैंने थीटा को चेंज करवाया, अब इसमें कैलकुलेशन में उन्होंने क्या किया, 360 डिग्री को लिख दिया 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, होते हैं, और पहले ये थीटा डिग्री में था लेकिन ऐसे 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद अब ये थीटा रेडियन में है, इसमें है रेडियन में, इसको सॉल्व कर लो तो 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो थीटा आर बच गया, तो यानी कि अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो आर को उधर ले जाओ, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर लिख लो, एल इक्वल टू थीटा आर लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना, 3 रिलेशनशिप आ रहे हैं एक्चुअली, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना कि थीटा को एंगल मेजर इन रेडियन मानना, कहीं डिग्री लिख, यहां पे थीटा क्या है, एंगल मेजर इन रेडियन, कल को मैंने कहा लंबाई बताओ, एंगल तो है 10 डिग्री, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो अब आप लंबाई 10 × 5 कर सकते हो, बोलो नहीं कर सकते, अरे एंगल डिग्री में बता रहा हूं, लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला है थीटा इंटू आर, उसमें थीटा रेडियन में ही होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, तो पहले 10 डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा, हाँ अगर मैंने 10 रेडियन बोला होता, मैंने क्या बोला होता, 10 रेडियन, ये लो
यहाँ पे 10 रेडियन बोला होता और रेडियस कुछ भी जैसे 5 सेंटीमीटर। अब आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो, लंबाई कितनी आर्क की, 10 × 5 50 सेंटीमीटर अब आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थीटा की वैल्यू एल बाय आर या एल की वैल्यू थीटा बाय आर होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये थीटा है ये 100% रेडियन में गिवन होना चाहिए। किसमें गिवन होना चाहिए, किसमें गिवन होना चाहिए, इसमें रेडियन में गिवन होना चाहिए। अब 10वीं क्लास में जो हमने 5 इंपॉर्टेंट एंगल्स पढ़े थे, कौन कौन से थे स्टैंडर्ड एंगल्स बताओ, सबके रेडियन मेजर कल तक याद होने चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और 90 के बाद फिर कुछ स्टैंडर्ड और याद करने हैं इस साल, 180, 270 और आखिरी 360। इनके याद होने चाहिए, इनके आंसर्स हैं, इनके आंसर्स हैं 0 में 0 रेडियन ही होते हैं, 30 में पाई बाय 6 रेडियन होते हैं, आप कन्वर्ट करके देख लो, 45 में पाई बाय 4 रेडियन होते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखनी 22/7, पाई को पाई लिखना है, 60 डिग्री में पाई बाय 3 रेडियन होते हैं, 90 डिग्री में पाई बाय 2 रेडियन होता है और 180 डिग्री में तो पाई रेडियन होता है बताया था अभी, और 270 डिग्री में 3 पाई बाय 2 रेडियन होता है, 360 डिग्री में पूरा 2 पाई रेडियन हो जाता है। तो ये आपको कन्वर्ट भी करना आना चाहिए, पर कन्वर्ट करने के साथ ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है स्टैंडर्ड, कोई नींद में भी कहे 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6 रेडियन। अब से मैं ऐसे ही कहूंगा कि एक पाई बाय 6 रेडियन का एंगल बनाओ, मैं ऐसे नहीं कहूंगा 30 डिग्री का एंगल बनाओ। आपसे पूरी की पूरी मैच टिल क्लास 12th और आगे भी सब किस में चलेगा, एंगल किस में चलेगा, रेडियन में चलेगा, पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई बाय 3, मैं ऐसे कहूंगा देखो पाई बाय 2 का, पाई बाय 2 रेडियन का एंगल है, और रेडियन भी बोलूंगा, रियल नंबर बन गया ना, अब मैं सिंपली बोलूंगा पाई बाय 2 का एंगल है, मैं सिंपली बोलूंगा पाई बाय 6 का एंगल है। देखो डिग्री में डिग्री बोलना जरूरी है, रेडियन में रेडियन बोलना भी जरूरी है, अब रियल नंबर बन चुका है तो मैं सिंपली बोलूंगा पाई बाय 2 रेडियन का एंगल है, आपको समझ जाना चाहिए 90 डिग्री का एंगल, क्लियर है। चलो तो कल एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, ये स्टैंडर्ड याद करके आना है ना।